हरि ओम। सुख समृद्धि विज्ञान इस चैनल में सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। जहां आप लोगों को अगर वीडियो में आप कोई मनोरंजन ढूंढ रहे हों तो अभी वीडियो को देखना छोड़ दें। अगर आप में धैर्य नहीं है कि आप पूरा वीडियो देखें तो भी इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि बीते 3-4 दिनों में मेरे काफ़ी दर्शक कम हुए हैं। अब इसमें प्रसन्नता की कौन सी बात है? प्रसन्नता की बात इसमें ये है कि जो बिना वजह के चैनल में जुड़े हुए थे, जो लोग चैनल से कोई मतलब नहीं रखते थे और जिनके मन में आदर भाव नहीं था चैनल के प्रति, हमारी सामग्री के प्रति, उन लोगों ने जब ये सुना कि ज्वाइन बटन मिल गई है और उसमें ज्वाइन करने वाले लोगों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी, तो उनका धैर्य टूट गया और बहुत सारे लोगों ने चैनल को छोड़ दिया। उनकी अपनी मर्जी है, कोई बात नहीं। तो आज आपको बताऊंगा सर्व सिद्धि कामना कैसे आप सिद्ध करें बिना किसी अपराध बोध के, बिना कोई गलत काम किए अपने जीवन को कैसे वहां ले जाएं जहां जाने के लिए देवता भी तरसते हैं। चाहे आप राम कहें, चाहे कृष्ण कहें, चाहे श्री हरि विष्णु कहें, भगवान के तो बहुत सारे अवतार हुए, अंशावतार हुए, अंशांशावतार हुए, पर तीन ये स्वरूप भगवान के अति प्रिय हैं और सर्वथा पूजनीय हैं। भगवान का कोई भी स्वरूप ऐसा नहीं है कि जो पूजनीय न हो, पर श्री कृष्ण के रूप में, श्री राम के रूप में और श्री हरि भगवान विष्णु के रूप में श्रीमन नारायण की जो पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, अभ्यर्थना की जाती है, उतनी अन्य स्वरूपों की नहीं की जाती, हालांकि वो भी पूजनीय है क्योंकि भगवान के ही अवतार हैं। मुख्य मुख्य 10 अवतार हैं, वैसे 24 अवतार कहे गए हैं, जिनमें से एक अवतार कल की होने वाला है, कलयुग में। आप भौतिक रूप से चाहे जितनी उन्नति प्राप्त कर ले, सुखों के अंबार आपके पास लगे हो, पर एक न एक दिन आपको ये संसार छोड़ के जाना ही पड़ेगा, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। आपको क्या, मुझे भी, सब को। इसी में कबीरदास जी ने लिखा था, का मांगो कछु थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, एक लख पूत सवा लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। अर्थात मैं क्या मांग लूं, क्योंकि यहां कुछ भी स्थिर नहीं है। और केवल भगवान का नाम सच्चा है,
वह भगवान का स्वरूप सर्वथा अमर है। न ऐसा कोई समय था जब ईश्वर नहीं था, न ऐसा कोई समय आएगा कि भगवान नहीं होंगे। हमने अभी तक अपने चैनल में बहुत सारी वीडियो बना करके आपको दिए, जिसमें अमुक अमुक साधना, अमुक अमुक दवा, अमुक अमुक रोग के बारे में, अमुक बिजनेस के बारे में मैंने कुछ बताया होगा। वो जितना भी हमने बताया, चाहे किसी प्रकार की साधना हो, वो जो भी साधना है वो सब इहलोक को संभालने के लिए थी, यानी कि इस जगत में रहने के लिए वो साधन भी आवश्यक हैं। परंतु जो भगवान का नाम है वह परलोक में भी काम आएगा, इस लोक में तो काम आएगा ही, परलोक में भी काम आएगा। इसलिए खुद को संभालने की जरूरत है, खुद को संभालने की जरूरत है भगवान की भक्ति करने की। भगवान की भक्ति बड़ी ही सरल है, गले में तुलसी की माला डाल लीजिए। बाजार में अगर सही माला नहीं मिलती है तो किसी तुलसी के पौधे से अपने आप लकड़ी तुलसी की सूखा करती है, वो ले लें और उस तुलसी की माला से मनके बना करके आप देखिए। बाजार में 100-200 रुपए की भी अगर माला खरीदते हैं, मशीन की बनी माला होती है, उससे आपको उतना लगाव नहीं होगा। अगर आप तुलसी के जो डंडियाँ होती हैं उनको काट काट करके स्वयं माला का निर्माण करेंगे, भले ही वो आप उसको 15 दिन में तैयार कर पाए, तो कुछ अपनी मेहनत का मज़ा कुछ और होता है, उसका फल कुछ और होता है। तत्पश्चात तुलसी का की माला बना करके, या न माला बना पावे तो एक ही दाना बना सकें तो गले में पहन सकते हैं। और जब के लिए तो तुलसी की माला होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर तुलसी की माला नहीं है तो बाजार से वैजंती माला आती है, और वैजंती माला भगवान को अति प्रिय है, तो वैजंती माला से भी आप जप कर सकते हैं। हालांकि ये माला मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होगी तो अति उत्तम होगा, इसी प्रकार से तुलसी की माला भी। प्रामाणिक तुलसी की माला के पश्चात श्री राम यंत्र या राम वज्र पंजर यंत्र और श्री भगवान कृष्ण के यंत्र या भगवान नारायण के यंत्र सामने रख करके अति उत्तम हो। अगर पारद की पारद के जो मूर्ति मिलती है वो भगवान की हो, याद रखें कि राम की मूर्ति है या कृष्ण की मूर्ति है या भगवान विष्णु की मूर्ति है, जिसकी मूर्ति मिल जाए ले ले, कोई भेद नहीं है। विष्णु अवतार श्री कृष्ण और विष्णु अवतार श्री राम, तो किसी की मूर्ति मिल जाए और किसी रूप में आप उनका आयोजन करना चाहें कर सकते। भगवान की कृपा कटाक्ष को प्राप्त करने हेतु
कम से कम 1,25,000 मंत्र जप हो, विधिवत उसकी दीक्षा ली गई हो। दीक्षा नहीं भी लेंगे तो भगवान का नाम कभी नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अगर विधिवत उसकी दीक्षा लेकर के साधना करें, तत्पश्चात जैसे वैदिक विधान में है, यज्ञ उसका होता है और हवन के बाद तर्पण मार्जन, ये सभी दशांश, जप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन और मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोज। ब्राह्मण कौन हो? वेद पाठी हो, वेद पाठी ना हो तो कम से कम ऐसे ब्राह्मण हों जो कि अभक्ष्य पदार्थों का सेवन ना करते हों, सरल हों और प्रभु की भक्ति में आस्था रखते हों। ऐसा ब्राह्मण वो पढ़ा लिखा नहीं भी होगा तो भी चलेगा। इस प्रकार से उनको बुला करके अपने यहाँ उनको यथोचित सम्मान के साथ उनको भोजन कराना चाहिए और भोजन के बाद में उनको दक्षिणा देते हुए उनको विदा करना चाहिए। अब यह मंत्र आपके लिए मोख बन गया और याद रखें कि भक्ति प्रेम से युक्त होती है। भक्ति में ये नहीं होता कि मैंने आपके 1,25,000 मंत्र जप कर दिए हैं, आज से काम खत्म, ऐसा नहीं। भक्ति तो स्वयं जो स्वयं को उनमें लीन करने का नाम है। आप दैनिक क्रियाएं करिए, दैनिक कर्म निपटाइए, नौकरी करिए, व्यापार करिए, कुछ भी करिए, समय निकालकर भगवान के लिए, क्योंकि जिसके घर वास्तव में जाना ही है, ये तो तुम किराए के मकान में यहाँ रह रहे हो, ये काया भी साथ छोड़ेगी, तो जिस परम धाम में एक न एक दिन जाना ही है तो जरा उसकी भी तैयारी करनी चाहिए। और ये मत सोचिए कि मैंने साधना कर ली है, ऐसा नहीं। जीवन के अंतिम पड़ाव तक मुंह से उन मंत्रों का नित्य प्रति उच्चारण होना ही चाहिए। एक माला, पांच माला, 11 माला, 21 माला, 51 माला, जो आप कर सकते हैं। तो लोग कहते हैं कि अगर हम दिन भर भक्ति करेंगे तो हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारा वंश, हमारा भरण पोषण कैसे होगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में उन्होंने कहा है कि जो मेरे अधीन होकर के, मेरे शरणागत होकर के रहता है, उसके योगक्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूँ, योगक्षेमम वहाम्यहम। भगवान पर दृढ़ आस्था रखते हुए नित्य प्रति उनका जप करें। जीवन में कभी ऐसा मौका आएगा कि हो सकता है अंतकाल में मुंह से बोलना फूटे, हालांकि प्रभु भक्त को ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लीजिए कर वहां उस समय बोल मुंह से ना फूटे तो मन में तो भगवान के उस मंत्र का जप करते ही रहना चाहिए। और
ध्यान रखें, अगर भगवान के भक्त हैं, गौ यानी गाय, गंगा, गायत्री, गीता, इनको मत भूलें, इनको बिल्कुल मत भूलें। जीवन में गाय को कभी नुकसान न पहुंचावें, हमेशा गौ भक्ति करें। गौ की भक्ति करना और प्रभु की भक्ति करना बराबर है, कोई अलग अलग नहीं है। गीता भगवान के मुंह से निसृत यह उद्बोधन मात्र अर्जुन के लिए नहीं था, अपितु प्राणी मात्र के लिए था। गीता का यथासंभव प्रयास करके पाठ करना चाहिए। पाठ न कर सके तो कम से कम दो चार श्लोक तो नित्य प्रति पढ़ें ही, अर्थ सहित पढ़ें। और गंगा, नहाते समय माता गंगा का स्मरण करें, घर में गंगा जल रखें, क्योंकि सारे विश्व के लोग तो गंगा के तट पर नहीं रह सकते। तो जो लोग गंगा के किनारे नहीं रहते हैं, इसमें तो 98% लोग गंगा के किनारे नहीं रहते हैं, तो घर में गंगा जल तो रख सकते हैं। गंगा जल रखें और गंगा जल की कम से कम एक बूंद तो दिन में अवश्य लेनी ही चाहिए। और चूंकि गायत्री का जप भगवान स्वयं करते थे, गायत्री का जप भगवान श्री राम भी करते थे, भगवान श्री कृष्ण भी करते हैं, तो गायत्री का जप भी करें, पवित्र करने वाली है। माता गायत्री अंतःकरण को अत्यंत उज्ज्वल और पवित्र कर देती है। तो माता गायत्री के मंत्रों का जप जरूर करें। यथासंभव आप कर सकते हैं विष्णु सहस्र नाम का पाठ, आप कर सकते हैं राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, आप कर सकते हैं गजेंद्र मोक्ष का पाठ, नारायण कवच कर सकते हैं और अन्यान्य पुरुष सूक्त है, अन्यान तमाम ऐसे पाठ हैं भगवान के नाम पर। पूर्ण रूप से शरणागत हो करके, पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में मन को लीन करके, चाहे उनका गीत गाएं, उनका भजन गावें, चाहे पाठ करें, चाहे मंत्र जप करें, अनुभव की बात है, भगवान स्वयं आपके योगक्षेम का वहन करेंगे और इस चराचर ब्रह्मांड का नायक है वो जो, बल्कि वह तो अखिल ब्रह्मांडों के नायक हैं, अनंत ब्रह्मांड जो हैं उनके भी वो नायक हैं, जिनकी भक्ति कभी खाली नहीं जाती, जिनकी भक्ति राक्षसों को भी पूजनीय बना देती है, दैत्यों को भी पूजनीय बना देती है। जैसे कि प्रहलाद के पिता दैत्यराज थे हिरण्यकश्यप, उनके पुत्र प्रहलाद को कोई हिम्मत है किसी माई के लाल में जो प्रहलाद को राक्षस दैत्य कहे? इसी प्रकार से रावण का छोटा भाई विभीषण था, बल्कि वो तो अमर लोगों में है, आज भी है, गुप्त रूप से रहते हैं,
तो विभीषण को कोई राक्षस कहेगा क्या? भगवान की भक्ति में जो भी लीन हो जाते हैं, जैसे माता गंगा की भक्ति में, भगवान विष्णु के भक्ति में आहे जो अंधकासुर जी थे, अंधकासुर भी दैत्य साम्राज्य में थे। पहले वो दुर्दांत दैत्य हुआ करते थे, बाद में उन्होंने शरणागति ली और वो आज वंदनीय हो गए। हमने इसलिए ये नामों को लिया, हम इसलिए ये बताना चाहते हैं आपको कि यदि आप ऐसे किसी वंश से हैं, ऐसे किसी घर से हैं जहाँ पर भगवान के नामों को अच्छा नहीं समझा जाता, भगवान के विरोधी स्वर उन घरों में गूंजते हैं, ऐसे घरों के अगर भी लोग सारा अहंकार छोड़ करके परमपिता परमात्मा की भक्ति में लीन होंगे, परमपिता का नाम लेंगे, शिव चतुरानन जाहि डिराहि अपर जीव किन लेखे माहि, ब्रह्मा और शिव भी जिनसे डरते हैं, अपर जीव अन्य जीव उनकी क्या बराबरी कर सकते हैं, किस गणना में है? परम सत्य, परम शाश्वत, परम आदरणीय, परम पूजनीय उन परमात्मा के श्री चरणों में मेरा कोटिशः नमन है। और आप सबसे भी ये मैं आकांक्षा करता हूँ कि आप प्रभु की भक्ति में जरूर लीन होंगे। हरिओम।